आज आप लोग हेडिंग क्या डाल लीजिएगा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या सेल विभव, अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। आर सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल, इसको शॉर्ट में हम लोग ई एम एफ के नाम से जानते हैं या ई सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक इलेक्ट्रोड इसमें है और एक इलेक्ट्रोड इसमें, यही हमारा क्या है, दो इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों का कुछ न कुछ तो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, क्लियर हो गया। उन्हीं के अंतर को हम क्या कह देते हैं, विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। अर्थात दो सेलों में विभवों के अंतर को या दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों के अंतर को ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। अरे आपका एक सेल ये है क्या बाबू, एक सेल ये है, एक सेल आपका ये है कि नहीं है, एक सेल में एक ही इलेक्ट्रोड है, इस सेल में भी एक ही इलेक्ट्रोड है, क्लियर हो गया। तो इसका भी कुछ विभव होगा, इसका भी कुछ विभव होगा, समझ में आ गया। तो उस विभव को हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा आपका, विद्युत वाहक बल आएगा, समझ में आ गया। इसके लिए हमको एक फार्मूला दिया गया, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमको फार्मूला दिया गया। हमने क्यों ई कैथोड ई एनोड लिए हैं, क्योंकि किसी एक सेल में एनोड होगा तो किसी एक सेल में कैथोड होगा, अर्थात किसी एक सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो एक सेल में अपचयन की क्रिया होगी, इसीलिए हमने कैथोड और एनोड हमने लिख लिया है, समझ में गया। रियल में यह इक्वेशन आया कहां से, गौर से देखिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथो ई एनोड प्लस ई कैथोड से आया है। हम आपको बता चुके हैं कि एनोड सदैव क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, देखिए ऋण आवेश हमने लिख दिया, तो इसी को तो हमने इस प्रकार से लिखा है, कोई अंतर है क्या, नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम इसी फार्मूले से ऊपर वाला फार्मूले को प्राप्त किए हैं, क्लियर हो गया। तो एक बार और आप लोगों को बाबू बता रहे हैं कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में हम ई एम एफ कहते हैं या ई सेल कहते हैं। परीक्षा में पूछ देता है कि विद्युत वाहक बल या सेल विभव किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि दो सेलों के बीच विभव के अंतर को ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, या दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत वाहक बल कह देते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक, कोई परेशानी आप लोगों को, अच्छा अब समझिएगा। इसको यदि हम मानक परिस्थितियों में लिखें, किस परिस्थितियों में, मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति में, यदि हम मानक परिस्थिति में लिखें तो मानक का मतलब हम मान ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं। अर्थात अब यहां आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मानक परिस्थिति में क्या होगा बाबू, दोनों को हम मान ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, दोनों को जब हम मान ले रहे हैं तो मानक परिस्थिति में आपका, हाँ टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा,
एक मोलर वाला हो जाएगा, क्यों बोलिएगा, एक मोलर वाला हो जाएगा, और जो दाब होगा आपका एक एटीएम हो जाएगा। यही तो मानक परिस्थिति है। इस मानक परिस्थिति में हम आपको पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक परिस्थिति में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे, ई नाट कर देंगे, क्या कर देंगे, ई नाट कर देंगे, अर्थात ई नाट सेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हम मानक परिस्थिति में इस फार्मूले को यूज करते हैं, अर्थात लगभग मान कर चलिए हर जगह मानक परिस्थिति ही हमको निकालने को मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा फार्मूला हुआ विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का या सेल विभव ज्ञात करने का। अब गौर से देखिएगा, कोई समीकरण दे दिया तो हम कैसे विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम समीकरण पर आप लोगों को बता रहे हैं बाबू, जैसे Cu प्लस 2Ag प्लस इज इक्वल टू Cu2 प्लस प्लस 2Ag। हमने यह एक इक्वेशन लिखा है, क्या लिखा है, एक इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, Cu ले लिए हैं, सिल्वर ले लिए हैं, क्यों, तो Cu Cu2 प्लस में परिवर्तित हुआ है, Ag प्लस Ag में परिवर्तित हो गया है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर जीरो था, यहां ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू हो गया, यहां ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है और यहां ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को, बोलिएगा। अच्छा, अब आगे समझिएगा। अब सबसे पहले पता कर लें, हमको कैथोड और एनोड चाहिए ना। तो अगर आप लोग इलेवेंथ में हमसे पढ़े हैं तो देखिएगा, आप लोगों को हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएं, तो वहां से अगर देख लें तो तुरंत इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। या हम थोड़ा सा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हमने हिंट दिया था कि कैसे ऑक्सीडेशन हम पहचानेंगे और कैसे रिडक्शन पहचानेंगे। तो इस हिसाब से हम इसको इस प्रकार से चलिए लिख ले रहे हैं, सी यू इज इक्वल टू सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। बोलिएगा, क्या हमने लिख दिया, समझ में आया? अच्छा, अब बताइए इस पर ये क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब हम किसको ले ले रहे हैं, एजी प्लस को ले रहे हैं, और यहां आपका क्या हो जाएगा, एजी हो जाएगा। कोई परेशानी आप लोगों को? अरे यहाँ टू लगाएंगे तो यहाँ भी टू हो जाएगा, कोई कहा, हाँ पहले हमने लिख लिया ना इक्वेशन में, देखिए यही दिया है ना, एजी और एजी हमने लिख लिया, क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, क्या पूरा हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है बाबू, अपचयन हो रहा है, तो हम लिख दें अपचयन। अच्छा, अब बताए ऑक्सीकरण पर कौन सा क्या होता है, एनोड होता है, और अपचयन पर क्या होता है, कैथोड होता है। समझ में आ गया, इतना हमने लिख दिया। अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, जरा ये भी हम लोग जान लें। ई सेल, ई नाट सेल कर ले रहे हैं, कोई परेशानी आप लोगों को, कोई भी ले लीजिए। ई नाट सेल इज इक्वल टू, बोलिएगा, पहले कौन आएगा, कैथोड आएगा, क्या आएगा, कैथोड। तो कैथोड आपका यही है, लिखने का तरीका देखिएगा, E नॉट हमने लिख दिया, कैथोड में पहले क्या है, एजी, हमने एजी को लिख दिया, एजी प्लस, कोई टेंशन नहीं। फिर क्या आपका एजी लिख दिए, गौर से देखिएगा आप लोग, माइनस, माइनस का चिन्ह है बाबू, किसके ऊपर लगा रहे हैं, अरे क्या इसी के सामने है ना, आ गया समझ में ना। अब किसको लेंगे, एनोड को लेंगे, तो एनोड आपका यही है बाबू, गौर से देखिएगा, फिर हम क्या लिखेंगे, इन आठ तो है ये है, इन आठ हमने लिख दिया,
एनोड के रूप में हमको क्या मिला है? Cu प्लस Cu टू प्लस। देखिए क्या हमको नहीं मिल गया बाबू, कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा और छोटा हम कर लें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, E नॉट सिल इज इक्वल टू, बोलेगा अरे क्रिया किसके किसके बीच में हुई है? कापर के बीच में हुई और एजी के बीच में हुई है, हुई है कि नहीं हुई है? तो हम लिख देंगे E नॉट सिल इज इक्वल टू E नॉट एजी माइनस E नॉट Cu। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बाबू? कोई परेशानी नहीं ना? अच्छा अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें क्यों? चलिए Cu टू प्लस प्लस Zn इज इक्वल टू Cu प्लस Zn टू प्लस। इक्वेशन मिल गया, कोई परेशानी? यह हमारा इक्वेशन वन था, यह इक्वेशन टू था, एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? इसको भी अर्ध इलेक्ट्रोड बना लें, यानी हाफ सेल बना ले, बना ले ना? चलिए बनाते हैं। तो पहले Cu2 लीजिए, Cu2 प्लस, किस इधर से हम क्या ले लेंगे? Cu, यानी यहां से हमने Cu ले लिया, फिर इस लाइन को उतार लिया, इधर से क्या ले लिया? कोई परेशानी? अच्छा अब बताइए, प्लस दो चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? प्लस दो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हमने दो इलेक्ट्रॉन डाल दिया अर्थात पूरा हो गया। अच्छा तो ये बताइए इस पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ये भी हमने जान गया। और अपचयन की क्रिया कौन से इलेक्ट्रोड पर होती है? कैथोड पर होती है। किस पर होती है? कैथोड पर होती है। अब क्या बचा, गौर से देखिएगा, Zn बचा, हम Zn को क्या कर रहे हैं? उतार ले रहे हैं, Zn हो गया। अब आइए इधर क्या है? Zn टू प्लस, अच्छा के प्लस टू है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? दो इलेक्ट्रॉन की कमी, हमने दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब बताइए इस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की क्रिया किस पर हो रही है? एनोड पर हो रही है। किस पर हो रही है? एनोड पर हो रही है। क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा अब उधर बता दें, अब इसको हम फार्मूले के रूप में लिखेंगे, क्यों? तो हम यही आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये जगह खाली है, फार्मूले के रूप में लिखेंगे। तो E नॉट सेल, बोलिएगा E नॉट सेल इज इक्वल टू, बोलिएगा इसी से हमको लिखना है। हाँ क्या लिखेंगे? E नॉट सी यू टू प्लस फिर सी यू, ठीक ना? इसको आप खड़ी लाइन कह दीजिए, यह किसका संकेत है गौर से समझ लीजिएगा। एक बार हम बता रहे थे आप लोगों को उस दिन कि गौर से देखिएगा, ये आपका क्या है? बीकर है, बीकर में हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया है, समझ में आ गया? तो सपोज कर लीजिए वही ले ले रहे हैं, यह आपका Cu है और बिलियन कैसा है? Cu SO4 है, क्यों? यही हम जानते हैं ना। तो आपका Cu जो है यह ठोस है, आपका ये क्या है? ठोस है, तो हम इसको ले लिए, और यह आपका बिलियन में है ना, तो ये बताइए इससे अलग करने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं। क्या कर देते हैं? एक लाइन खींच देते हैं जिसको खड़ी लाइन कहते हैं, अर्थात ठोस और बिलियन के मध्य यह एक प्रदर्शित चिन्ह है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने लिख दिया माइनस, माइनस कैथोड का हमने लिखा था ना, बोलिएगा अब क्या लिखेंगे हम? एनोड का लिखेंगे माइनस ई नॉट Zn Zn टू प्लस। बोलिए क्या एकदम सेम फार्मूला हमको मिल गया कि नहीं मिल गया इससे? अब हम आपको बताए थे कि इसको हम चाहें तो और शॉर्ट कर सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई नॉट सिल इज इक्वल टू ई नॉट Cu माइनस E नॉट Zn। क्या बाबू आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एक चीज और समझ लेते हैं बाबू, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
सपोज कर लीजिए अगर हमको ई नॉट सेल, क्या बाबू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू मान पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, तो जो इक्वेशन केमिकल इक्वेशन होंगे वह संभव होंगे कि हाँ ये केमिकल इक्वेशन होगा। गौर से समझिएगा, यदि ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, धनात्मक आ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे मान लीजिए हमने केमिकल इक्वेशन लिखा है, पता नहीं यह केमिकल इक्वेशन फिजिबल है कि नहीं है। हम इसी से जानेंगे कि यदि इसका मान पॉजिटिव आ रहा है तो हम जान जाएंगे कि यह संभव है, यदि पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो इसका मान संभव नहीं है। अर्थात अगला, इसी प्रकार से यदि ई नॉट सेल का मान निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इक्वेशन संभव नहीं है। समझ में आ गया, अर्थात रिएक्शन संभव नहीं है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से यदि ई नॉट सेल, क्या बाबू, ई नॉट सेल आपका जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इक्वेशन संभव तो है लेकिन इक्वेशन साम्य अवस्था में है। किस में है, साम्य अवस्था में है, अर्थात बराबर की अवस्था में, किस अवस्था में है, बराबर की अवस्था में है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन में मिलेगा, अभी जब क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा, पूछेगा कि बताइए कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है वह संभव है कि नहीं संभव, तो हम इसी के आधार पर बताएंगे। समझ में आए कि नहीं आए, तो क्लियर हो गया, परिभाषा आपने लिख लिया, परिभाषा आप लिख लिए तो ये भी तन लिख लीजिएगा लाइन से। चलिए मिटा रहे हैं, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ZN रिवर्जिबल एरो ZN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तथा Cu Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.76 वोल्ट तथा जीरो पॉइंट 337 वोल्ट है, तो कारण सहित बताइए कि अभिक्रिया ZN प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू ZN2 प्लस प्लस Cu का होना संभव है या नहीं, का होना संभव है या नहीं। अब सवाल को हम लगाना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लें, ZN से ZN2 प्लस में परिवर्तित कर लें। बोलेगा इस ZN2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किस पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, कोई परेशानी, अच्छा अब इसी प्रकार से आ जाइए Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यही जोड़ ही लीजिए, क्या हो जाएगा Cu, इस पर क्या हो रहा है, अप चयन हो रहा है, और अब चयन की क्रिया किस पर होती है, कैथोड पर होती है, कैथोड हमने लिख दिया, क्लियर हो गया। हम फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला हम जानते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यही जानते हैं? कोई परेशानी आप लोगों को? बोलिएगा। और हमको ई सेल का इसका मान दिया, इसका मान दिया हुआ, अर्थात हमको इस दोनों इक्वेशनों का मान, ये क्या आ गया, ये दोनों इक्वेशनों का मान हमको यहाँ दे दिया हुआ है। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले में उस मान को रख दे रहे हैं। तो देखिएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड, कैथोड वाला कौन है आपका, जीरो प्लस 0.0337 हो गया माइनस, अच्छा एनोड का मान कितना दिया हुआ है, माइनस 0.76 हो गया। अब चलिए, अब कितना उत्तर आ जाएगा, 0.337। अब माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। जोड़ लीजिए इसको, देखिएगा कितना आ जा रहा है, 6 3 9 7 3 10 के 0.1 वोल्ट। यानी ई नॉट सेल बराबर कितना, घटा लीजिए फिर, हमने 7 को उतार दिया, ठीक 6 3 9 7 3 10 के 0, ठीक एक बचा, एक हमने लिख दिया वोल्ट। और ये बताइए मान किस में प्राप्त हुआ है, प्लस में प्राप्त हुआ है। और जब प्लस में प्राप्त हुआ है तो क्या अभिक्रिया संभव है? Yes, हाँ अभिक्रिया संभव है। उतार लीजिए तो अभिक्रिया संभव है। मिटा देना, निम्न सेल के बारे में विचार कीजिए जिसमें ZN, ZN2 प्लस 1M डबल एरो CO2 प्लस 1M CO, ये आपका क्या है, सेल आरेख है, क्या है, सेल आरेख, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन CU2 प्लस इज इक्वल टू CU के लिए मानक अपचयन विभव, के लिए मानक अपचयन विभव 0.35 वोल्ट है तथा 2 इलेक्ट्रॉन ZN 2 प्लस प्लस ZN के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.76 वोल्ट है। तो पॉइंट ए सेल अभिक्रिया लिखिए, पॉइंट बी ई एम एफ की गणना कीजिए, पॉइंट सी क्या अभिक्रिया स्वेच्छा अनुरूप है। इस सवाल को हम लगाना शुरू कर रहे हैं, अगर नहीं आप लोगों को आ रहा है तो गौर से देखिएगा। सवाल में आपका दिया हुआ है सेल अभिक्रिया, हमारा पॉइंट ए, पॉइंट ए में हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कि सेल अभिक्रिया लिखिए, क्या लिखिए, सेल अभिक्रिया लिखिए। तो सेल अभिक्रिया लिखने से पहले हम लोग सेल आरेख लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल आरेख लिखेंगे। सेल आरेख हमारा कितना दिया हुआ है, ZN, ZN 2 प्लस 1M, फिर डबल लाइन CU 2 प्लस सिंगल लाइन, यह आपका 1M है और यहाँ आपका CU हो गया। अब इसी से हमको क्या बना लेना है, सेल अभिक्रिया प्राप्त कर लेना है, क्या प्राप्त कर लेना है, सेल अभिक्रिया प्राप्त कर लेना है। गौर से देखिएगा आप लोग,
Zn और ये आपका Zn 2 प्लस है, तो इधर हम क्या लिख दें, Zn 2 प्लस, कोई परेशानी, प्लस यहाँ आपका क्या है Cu 2 प्लस है, हमने लिख लिया, और बीच में एरो खींच दे इसको। अब यहाँ हम क्या लिख दें, Cu लिख दें। देखिए हमारा इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। यही हमारा क्या है, आपका सेल अभिक्रिया है। क्या है? सेल अभिक्रिया है। क्या आप लोगों को प्राप्त हुआ है? पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि इसके ईएमएफ की गणना कीजिए। बी पॉइंट में क्या कह रहा है, ईएमएफ की गणना, ईएमएफ बराबर कितना होगा, गौर से देखिएगा। हम फार्मूला जानते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हम जानते हैं। अच्छा अब इसमें ई नॉट कैथोड का मान कितना दिया हुआ है, बोलिएगा। हाँ, 0 प्लस 0.3 प्लस 0.35 वोल्ट माइनस, अच्छा इसका मान कितना दिया हुआ है, माइनस 0.76 वोल्ट दिया हुआ है। अब हम लोग इनको क्या कर लें, जोड़ लेंगे, प्लस 0.35 प्लस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 1.11 वोल्ट। बोलेगा आंसर किस में आया है, प्लस में आया, अर्थात आंसर आपका पॉजिटिव आया, धनात्मक आया है, अर्थात सी पॉइंट का उत्तर मिल जाएगा कि अभिक्रिया संभव है। क्या है, अभिक्रिया संभव, अर्थात स्वेच्छा, अर्थात स्वेच्छा अनुरूप, एक ही में लिख दे कि अलग अलग लिखे, स्वेच्छा अनुरूप है। उतार लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन सेम यही पूछा है, लेकिन उसमें यह तीनों नहीं पूछा है। सवाल क्या पूछा है, गौर से देखिएगा। सवाल कह रहा है कि Zn, Zn 2 प्लस अर्थात सेल आरेख दिया है, ठीक ना, डबल लाइन Cu 2 प्लस Cu दे दिया है, और कह रहा है कि जबकि Zn, Zn 2 प्लस तथा Cu, Cu 2 प्लस काम मान क्रमशः 0.76 वोल्ट तथा 0 प्लस 0.34 वोल्ट है, बोलिएगा दिया है कि नहीं दिया है। देखिएगा माइनस 0.76 वोल्ट प्लस 0.35 वोल्ट है। कह रहा है इसकी सांद्रता 1 मोलर है, तो इसको बताइए किस तरह से लगेगा। एकदम यही सवाल तो पूछा है, नहीं पूछा है तो बोल दे कि रहने दे, चलिए लिख लीजिए। लिखिएगा निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। आपका सेल यहां दिया हुआ है, इसको उतारिए। देखिए यहां सेल दिया हुआ है Zn, Zn 2 प्लस Cu, Cu 2 प्लस Cu। सवाल में लिखिएगा Zn 2 प्लस Zn, हाँ Zn 2 प्लस Zn तथा Cu 2 प्लस Cu, Cu 2 प्लस Cu का मान क्रमशः माइनस 0.76 वोल्ट
-0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट है और इसकी सांद्रता एक मोलर है। सांद्रता एक मोलर है। सवाल समझ में आया? तो हमको इतना मान दिया हुआ है, अगर इसको साल्व कर रहे हैं तो देखिएगा हमारा उत्तर सेम यही आएगा। देखिए हमने साल्व भी कर दिया, पहले ही वाला सवाल हमको दिया है, टोटल देखिएगा मान वही नहीं दिया है, हमने साल्व कर लिया। 1.10 क्लियर हो गया, तो उत्तर आपका कितना आएगा? 1.11 आएगा कि नहीं आएगा? 3.4। अगला सवाल बोले? यस। चलिए अगला सवाल सुनिए। जेडियन जेडियन टू प्लस जेडियन जेडियन टू प्लस वन एम डबल लाइन CO2 प्लस वन एम सी ओ का ई एम एफ की गणना कीजिए। इस सेल के लिए जेडियन टू प्लस जेडियन ऐसे लिख लीजिए का मान तथा CO2 प्लस CO का मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.28 वोल्ट है और इसकी सांद्रता एक मोलर है, तो ईएमएफ का मान बताइए। सवाल को हम लगाना चालू कर रहे हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.28 माइनस -0.76 वोल्ट, यही है ना? अच्छा, अब आपका उत्तर आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू +0.28 +0.76 वोल्ट, अर्थात ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.04 वोल्ट उत्तर आ गया। उतार लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है बाबू, गौर से देखिएगा आप लोग। CU Cu2 प्लस वन एम डबल एरो एजी प्लस वन एम एजी, ये हमको सेल आरेख दिया हुआ है और इसमें वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट और एजी का दिया हुआ है ई नॉट एजी प्लस एजी इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट। अब हमको इसको साल्व करना है, हमको ज्ञात क्या करना है बाबू? ई एम
एफ हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ई एम एफ हमको ज्ञात करना है या ई सेल हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ई एम एफ बराबर, बोलिएगा, ई नॉट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमारा सवाल इससे निकलेगा, यही सेल आरेख कभी गलत नहीं होता है। इससे देखोगे तो दोनों में मानक अपचयन का मान दिया हुआ है, तो कैसे आप निकालोगे? दोनों कैथोड पर आ रहा है, कैसे निकालिएगा आप लोग? संभव है क्या निकालना यहाँ से? नहीं, हम किससे निकालेंगे? सेल आरेख से निकालेंगे। और सेल आरेख में बाबू हम क्या जानते हैं कि ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है बाबू? कैथोड है। क्यों हम जानते हैं? नहीं जानते हैं, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अच्छा, अब बताइएगा, तो इसमें सी यू आपका क्या हो गया? एनोड हो गया। अब देखिए ई एम एफ निकालिएगा तो आराम से निकल जाएगा। ई एम एफ बराबर एनोड आपका सी यू हो गया और कैथोड आपका क्या हो गया? ए जी हो गया। अब बताइए, तो ए जी आपका कैथोड है तो कैथोड का मान कितना दिया हुआ है? 0.80 माइनस प्लस एनोड का मान कितना दिया हुआ है? हाँ, 0.34 वोल्ट। क्या आप लोगों को अब समझ में आया है? हाँ। अच्छा, अब उत्तर कितना आ जाएगा बोलिएगा आप लोग? 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू, अब घटा लीजिए यहाँ से, आपका कितना आ गया? 10 में से 4 जाए 6, या आपका 7 बचा, 7 में से 3 जाए कितना बच गया? 4, यानी 0.46 वोल्ट आपका उत्तर आ जाएगा। अब जा करके सही हुआ है। क्या दिमाग लगा कि नहीं लगा? सवाल देख रहे हो कितना अच्छा है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है।